हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको क्लास में बताया था, इससे पहले हमने बताया था आपको प्लेटी एलिमेंट्स। ठीक है, प्लेटी एलिमेंट्स में चपटे क्रमी आते थे, है ना, जो फ्लैट बॉम्ब्स होते थे वो आते थे। ठीक है, उसके बारे में हमने पूरा डिक्टेशन डिक्लेयर किया था, पूरा हमने बताया था उसके बारे में। ठीक है, और आज हम बता रहे हैं एसके एलिमेंट्स। जो एसके एलिमेंट्स होता है वो राउंड बॉम्ब्स होते हैं। ठीक है, मीन्स गोल क्रमी होते हैं जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज को बताएंगे पूरा। ठीक है, क्या होता है राउंड बॉम्ब्स। ठीक, इसमें क्या है, फाइलम एसके एलिमेंट्स है। इसका ग्रीन जो किससे मिलकर बना हुआ है, नीमे मीन्स थ्रेड, मीन्स धागा। ठीक है, और जो हेलमेट्स होता है वो बॉम्ब्स होता है। ठीक है, तो जो धागे के समान संरचना होती है और जो बॉम्ब्स होते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या कहलाती है, बॉम्ब्स कहलाती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया है, एसके हेलमेट्स में रखा गया है। ठीक, थ्रेड और बॉम्ब्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एसके हेलमेट्स बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, निमेथेलमेंथिस। ठीक है, निमेथेलमेंथिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे के समान संरचना होती है। ठीक, दीज आर राउंडेड बॉम्ब्स, ये राउंड बॉम्ब्स होते हैं। वो राउंड बॉम्ब्स होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि इट्स बॉडी इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनसेगमेंटेड, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है बहुत लंबी होती है, सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और अनसेगमेंटेड होती है, मीन्स उसमें कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वो अनसेगमेंट, जिसमें कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाता है जिस एनिमल में, वो अनसेगमेंटेड कहलाती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसकी होती है। ठीक है, लाइक अ थ्रेड, जैसे कि एक थ्रेड होता है उस लाइक ये स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है, होती है इन एसके एलिमेंट्स। ठीक है, विद नो लैटरल अपेंडिजेस, इसमें कोई भी लैटरल, हमने आपको लैटरल और डॉर्सल दो बार हमने कई बार बताया है कि जो डॉर्सल पार्ट होता है वो ऊपरी होता है और जो लैटरल पार्ट होता है वो नीचे का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी लैटरल अपेंडिजेस नहीं पाए जाते हैं, मीन्स कोई भी ऐसे लैटरल अपेंडिजेस अनुपस्थित होते हैं, एबसेंट रहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स अबाउट 15,000 स्पीसीज, इसकी लगभग कितनी स्पीसीज ज्ञात हैं, 15,000 जातियाँ इसकी ज्ञात हैं, जो कि अधिकतर जो होती हैं वो पैरासाइट होती हैं, मीन्स दूसरे के ऊपर रहकर ही अपना जो फूड है वो लेते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको पैरासाइट कहा जाता है। तो अधिकतर जो इसके एलिमेंट्स के सदस्य हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, मोस्टली पैरासाइट ही होते हैं। ठीक है, अब इसके हम जनरल कैरेक्टर के बारे में जान लेंगे कि इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको एक अलग फाइलम बनाने में हेल्प करती है। ठीक, हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दीज आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल अनसेगमेंटेड, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, बनी होती है कैसे, वो लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है और अनसेगमेंटेड होती है, मीन्स इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाता है, और बॉडी जो होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। हमने बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, मीन्स अब जो डिप्लोब्लास्टिक है उसकी, मीन्स जो उसकी लेयर होती है, आवरण जो होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म से मिलकर। ठीक, लेकिन जब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कैसे होते हैं, जिनकी बॉडी तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, मीन्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तीन तरीके से, मीन्स एक ये लेयर हो गई, दूसरी ये हो गई, ये लेयर हो गई। ठीक, तो ये क्या कहलाई, एंडोडर्म कहलाई, ये मीजोडर्म कहलाई और ये एक्टोडर्म कहलाई। इस तरीके से जो बॉडी बनी होती है, जिसकी बॉडी तीन लेयर से मिलकर बनी होती है, वो क्या कहलाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दीज हैव ऑर्गन सिस्टम, इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है ऑर्गन सिस्टम का, इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो सब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सभी ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड बाईलैटरल सिमेट्री, इसमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाईलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक, बाईलैटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दीज आर फर्स्ट एलिमेंट टू हैव स्ट्रेट एंड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ये एसके एलिमेंट्स में ये ऐसे प्रथम ऐसे सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पूर्ण रूप से पूरी होती है। ठीक है, क्या है, स्ट्रेट होती है और कंप्लीट होती है। ठीक है, पूरी तरीके से एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, आहार नाल जिसे कहते हैं, वो क्या होती है, पूरी तरीके से
स्ट्रेट होती है और पूर्ण रूप से पूरी होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एच शेप। जो इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है, मीन जो उत्सर्जन सिस्टम जो होता है, उत्सर्जन तंत्र जो होता है, वो एच शेप, जो एच होता है, एच शेप जो होता है, ठीक है, एच आकार की संरचना होती है जो एक्सक्रेटरी का सिस्टम होता है। ठीक, एंड इंट्रासेलुलर दीज आर अमोनोटेलिक। ठीक है, इससे जो उत्सर्जन होता है वो अमोनिया का उत्सर्जन ये करते हैं। ठीक है, इसीलिए अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड इन एवरी सिस्टम। इसमें जो अगर जितने भी सिस्टम पाए जा रहे हैं, वो चाहे एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, उसमें नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर किसी में चार है तो वो चार ही रहेंगे, ना कि पाँच हो जाएंगे, ना ही छः हो जाएंगे। ठीक है, तो वो प्रेजेंट रहते हैं और फिक्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है नर्वस सिस्टम फॉर्म सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग। जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है वो कैसे फॉर्म होता है, जो सर्कमफेरेंजियल नर्व होती है, नर्व सेल्स होती है, उसी से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मीन्स एक ऐसे एलिमेंट्स के एनिमल्स का नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, जो सर्कमफेरेंजियल कैविटी होती है, या ये कह लें कि सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग जो होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे जो नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है, बनता है। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे ऐसे एलिमेंट्स के जो शो करते हैं कि इन्हें इस कैटेगरी में या इस फाइलम में क्यों रखा गया है। ठीक है, जितने भी फाइलम हैं सबको अलग अलग उसका कैरेक्टर्स होता है, जिसके आधार पर उसको रखा जाता है। ठीक है, एनिमल्स को। ठीक, इसके एग्जाम्पल अगर देख लें तो एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्केरिस, एस्केरिस है और वॉचेरिया, वॉचेरिया और एस्केरिस इसके मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एस्के एलिमेंट्स था। अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में देखिए दिखाया गया है इस तरीके से, ये डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम में देखिए ये है मेल पार्ट, जो मेल पार्ट होता है वो कुछ छोटा होता है और फीमेल पार्ट जो होता है वो कुछ बड़ा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक तरीके से सेम लग रही है, सेम संरचना होती है, बस अंतर क्या है, वो छोटा है और जो फीमेल है वो क्या है, कुछ बड़ा है। ठीक, इसका जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है वो माउथ कहलाता है, जो भी उसको डाइजेशन खाना होता है तो इस माउथ के माध्यम से क्या करता है, उसको लेता है। ठीक, इसके बाद ये पेनियल सिटी है, ये हमारी क्या है, ये पेनियल सिटी कहलाती है, ये भी हमारा पेनियल सिटी कहलाता है। ठीक, उसके बाद ये एरिया जो है ये क्या है, क्लोइकल अपरेचर होता है। ठीक है, क्लोइकल अपरेचर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, मेल पार्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर जो एरिया है वो क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है। और ये हमारा जो है ये एक्सक्रेटरी पोर कहलाता है, ये एरिया जो है ये क्या कहलाता है, एक्सक्रेटरी पोर कहलाता है। ठीक है, मतलब जो भी उत्सर्जी चीज़ होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो क्या है, इसी के माध्यम से बाहर चला जाता है। ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा अंग नहीं होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से वो बाहर जाए, तो ये एक्सक्रेटरी पोर होता है, जिसके माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट ये जनरेटेड पोर है। ठीक है, क्या है, जनरेटेड छिद्र जिसे बोलते हैं, जनरेटेड अपरेचर जिसे बोलते हैं, जब इसमें सेक्स होता है तो इसी जनरेटेड पोर के द्वारा ही ये सेक्स को कंप्लीट करते हैं, पूरी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, पूरी तरीके से इसको एंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इसी तरीके से ये नीचे का एरिया जो होता है कुछ मोटा होता है, और ऊपर का एरिया क्या होता है, कुछ पतला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेल और फीमेल एस्केरिस है। ठीक है, ये क्या है, एक एस्केरिस का डायग्राम है। ठीक, और किस तरीके से ये फंक्शन करता है, कैसे वो करता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक, अगर वीडियो में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो वो हमको आप बताएंगे, क्योंकि अगर हमें नहीं पता चलेगा तो हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो कैसे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हुआ करे वो हमसे डिस्कस किया के लिए हमें मैसेज करिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसको उसका निवारण कर सकें। ठीक है, एनिमल किंगडम में हमने ये बता दिया, इसके पहले हमने आपको पोरीफेरा बताया था, है ना, सिलेंट्रेटा भी बता चुके हैं, एस्के हेलमेंट्स आज बताया है, और जो हमारा क्रेटी एलिमेंट्स था वो लास्ट क्लास में हमने बताया था। ठीक है, जितने भी फाइलम हैं उन फाइलम में एक न एक फाइलम जरूर आता है, विद लेवल डायग्राम आता है, और क्लासिफिकेशन इन सब का हम जब ये फाइलम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन सबका करा देंगे। ठीक है,
तो जिस भी फाइलम में आपको कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हमको बताइए, तो उसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। ओके।